तो आज की रात पहली रजब की रात की फजीलत बयान करने से पहले आज की रात का बेहतरीन अमल आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, जब नामे मौला हुसैन आ गया तो आज की रात के कुछ अमाल हैं कि जिनमें गुस्ल भी है और एक नमाज भी है, जिसका भी जिक्र इंशाल्लाह तकरीर के दौरान आपकी खिदमत में गुजार किया जाएगा। लेकिन आज की रात के अमाल में से बेहतरीन अमल है सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम की ज्यारत का पढ़ना। बल्कि रिवायत यह कहती है कि खुद को हो सके तो करबलाए मौला पहुंचाओ। तो इतना तो तय है कि बारे इलाहा हम अपना जिस्म करबला पहुंचा सके ना पहुंचा सके, हमारी रूह तो वैसे भी करबला ही में है। हमारी रूह कहां है? यहां। जो एक बार करबलाए मौला हो आए तो फिर जिस्म तो करबला से आ जाता है, रूह वहीं रह जाती है, जरी से लिपटी रह जाती है रूह। ये मैं आपकी खिदमत में यूं ही अर्ज नहीं कर रहा, रिवायत बयान करती है फितरुस कि जो नजात याफ्ता है हुसैन इब्ने अली था, रोजे आशूर असर के वक्त मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सराहने आया और कहा कि यबना रसूलल्लाह या अबा अब्दुल्लाह, मदद दरकार है तो गुलाम खादिम हाजिर है। कहा कि मुझे मदद किसी की नहीं, मुझे जिसकी रजा चाहिए वो मुझे देख रहा है, मुझे जिसकी रजा चाहिए, मुझे जिसकी रजा दरकार है वो देख रहा है। लेकिन उसके बाद वो जमीन से आया हुआ फितरस दोबारा वापस ना गया, जमीन पर आया हुआ फितरस आसमान से नाजिल हुआ हुआ दोबारा वापस ना गया। आज तक खुद को कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम के पास रखा और आने जाने वाले जायरीन का इस्तकबाल करता है। लेकिन अजीजान मोहतरम, आज की रात का बेहतरीन अमल ज़ियारत आका अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम।